नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट बाय एरिस्टोटल। यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट, हम जो रिपीटेडली करते हैं या रिपीटेडली सोचते हैं वही हम हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बहुत अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छाइयों की तरफ खुद को इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। अगर हम बुरे चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे या सोचते रहेंगे तो हमारा आदत जो है बुरी चीज़ों के ऊपर ही होता रहेगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम बुराइयों की तरफ ही चलते रहेंगे। यानी कि हम अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे वो डिपेंड कर रहा है हमारे आदतों पर, यानी हैबिट पर। हमें बहुत ध्यान से अपना जो हैबिट है उसको ऑब्जर्व करना है, उस हैबिट को या हैबिट्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हैबिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा फ्यूचर बन जाते हैं। अभी ये जो हैबिट है ये कैसे बनते हैं? बेसिकली हमारे दिमाग में एक थॉट आते हैं, यानी सोच आते हैं, उस थॉट के बेसिस पे हमारा एक फीलिंग्स बनता है, एंड उस फीलिंग्स के बेसिस पे हम एक एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के बेसिस पे हमें एक रिजल्ट मिलता है। यानी कि थॉट्स leads to feelings, leads to actions, that leads to results. EFAR, this particular acronym is given by T. Harv Eker, the famous international speaker, coach and motivator. इनके हिसाब से क्या है, हमारे दिमाग पे एक thought आते हैं, एक सोच आते हैं, उस thought के basis पे हमारा एक feelings होता है, उस फीलिंग्स के बेसिस पे हम कुछ एक्शन लेते हैं, एंड वो एक्शन हमें कुछ एक रिजल्ट देते हैं। यानी कि एक चिंता या थॉट हमारे दिमाग में आते हैं तो उसके बेसिस पे एक फीलिंग्स, चाहे वो अच्छा फीलिंग हो या बुरा फीलिंग हो, वो हमारे मन में आते हैं। उस फीलिंग्स जो अच्छा है या बुरा है उसके बेसिस पे हम कुछ एक्शंस लेते हैं और उस एक्शंस के बेसिस पे एक रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक थॉट कि मेरे को एक खुजली हो रहा है या इचिंग हो रहा है, तो ये जो थॉट है खुजली का या इचिंग का, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा एक फीलिंग जनरेट होते हैं, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिजायर आते हैं कि हम उस जगह पे इचिंग कर ले या खुजली कर ले। जैसे हमने उस फीलिंग के ऊपर एक्शन लिया यानी कि खुजली किया, तो उस खुजली के बाद एक रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है कि वो जो इचिंग हो रहा था वो इचिंग गायब हो जाता है। जब ये रिजल्ट एक गुड फील करवाता है रिजल्ट के ऊपर, हम क्या करते हैं, दोबारा एक थॉट आते हैं कि जब भी उस टाइप का चिंता आएगा, थॉट्स आएंगे, तो हम फिर दोबारा वही थॉट, वही खुजली, वही एक्शन, फिर एक रिजल्ट। जो एक रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे हम दोबारा एक थॉट्स जनरेट करेंगे। अगर कुछ काम करते हुए हमें थॉट के बेसिस पे कुछ फीलिंग्स आया, फीलिंग्स के बेसिस पे कुछ एक्शन हमने लिए, एंड उस एक्शन के बेसिस पे हमें एक रिजल्ट मिला,
अगर वो रिजल्ट हमें फील गुड करवाते हैं, हमें एक अच्छे महसूस करवाते हैं, तो हमारा क्या होता है, दोबारा हमें वो थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस को दोबारा हम मन में लाते हैं। जब भी वो दोबारा वो थॉट प्रोसेस हमारे मन में आते हैं तो हमारा यही फ्लो ऑफ एक्शन काम करते हैं। यानी ए पार्टिकुलर थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, लीड्स टू एक्शंस, लीड्स टू रिजल्ट्स। अगेन उस रिजल्ट के बेसिस पे हमें फिर दोबारा थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स चालू कर देते हैं। यानी मिस रेगुलर बेसिस पे ये चलते रहते हैं। जब ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं तो एक लूप बन जाते हैं। जब भी उस टाइप का थॉट आएगा तो हम फील करेंगे कि हमें इचिंग हो रहा है एंड हम इचिंग करवा देंगे यानी एक्शन ले लेंगे, उसके बाद हमें एक फील गुड फैक्टर हो रहा है। यानी करते 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 ये एक लूप बन जाता है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कब ये हमारे आदत में कन्वर्ट हो जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता है। एक बार वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है यानी हैबिट, तो हम उसको रिपीटेडली करते रहते हैं और जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं वही हम बन जाते हैं। दैट बीइंग द केस, जो लोग एक्सीलेंस अचीव करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली अपनी आदतों पर एक सोची समझी ऑब्जर्वेशन रखते हैं या मॉनिटर करते हैं, जिसके बेसिस पे जब उनको ये पता चल जाता है कि हमारा अगर ये थॉट आता है तो हमारा इस टाइप का एक क्यू फॉलो होता है एंड दैट लीड्स टू एन रिजल्ट। अगर हमें एक अच्छे आदत डेवलप करना है तो हमें वो थॉट्स को चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर कोई एक पार्टिकुलर आदत है जो हम करना नहीं चाहते तो जब भी वो थॉट हमारे मन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो पाथ है, ये जो क्यू है, उस क्यू को हम काटने का कोशिश करेंगे। जो फीलिंग्स आता है, फीलिंग से पहले हम एक ऑब्स्ट्रक्शंस डाल देंगे तो क्या होगा, फीलिंग्स नहीं आएगा, फीलिंग्स नहीं आएगा तो एक्शंस नहीं होगा एंड एक्शंस नहीं होगा तो वो खराब रिजल्ट या बैड रिजल्ट नहीं आएगा, यानी वो बैड हैबिट डेवलप नहीं होंगे। यानी अगर हमें कुछ एक पार्टिकुलर आदत को डेवलप करना है तो उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो फीलिंग्स प्रोसेस है, उसका जो एक्शंस है एंड उसका जो रिजल्ट्स है, उसको हमें बार 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 लूप में रिपीट करना पड़ेगा तो हमारा एक आदत बन जाएंगे अच्छी आदत। और उसी अच्छी आदत को जब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते रहेंगे तो हम एक्सीलेंस अचीव कर लेंगे। उसका रिवर्स में अगर किसी आदत जो खराब है हमारे हिसाब से एंड उसको हम परस्यू नहीं करना चाहते तो हमारा जो ये लूप है उस लूप को कट करना पड़ेगा। यानी इस लूप के बीच में हमें एक हर्डल्स यानी एक ऑब्स्ट्रक्शंस डालना पड़ेगा ताकि ये जो लूप है आधे रास्ते में ही बंद हो जाए एंड रिजल्ट्स तक ना आए। उसका क्या है कि जैसे दिमाग में थॉट आया उस थॉट को फीलिंग्स में कन्वर्ट नहीं होने देना है। कैसे नहीं होने देना है, तो हमें कुछ अदर स्टेप्स कर सकते हैं ताकि हमारा थॉट्स जो है और किसी दूसरे एक चीजों पे फोकस कर पाए, तो ये वाला कट हो जाएगा और ये वाला अगर कट हो जाएगा तो हमारा जो बैड हैबिट्स है वो रिपीट नहीं होगा एंड डे इन डे आउट हफ्ते भर, महीने भर, सालों भर अगर हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, बैड हैबिट्स निगेट हो जाएंगे। सो इसीलिए द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि हम क्या है जो हम रिपीटेडली करते हैं और जो हम रिपीटेडली करते हैं दैट ओनली लीड्स अस टू एक्सीलेंस। दैट बीइंग द केस, इसका जड़ कहाँ पे है, इसका जड़ या रूट है थॉट में।
हमारे सोचने में, उसी थॉट को हमें बढ़ावा देना है या उसको उसी जगह पे, उसी मोमेंट पे स्टॉप करना है। एक बार अगर हम इस आदत को प्रैक्टिस कर पाए तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक्सीलेंस की तरफ चलते रहेंगे या अग्रसर होते रहेंगे। तो आज के लिए ये छोटी सी बात इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।